भाई लोगों एक बात बताओ, एक कंपनी के शेयर एक दिन में कितना बढ़ सकते हैं? 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, अरे 1,00,000 करोड़ और कितना बढ़ेंगे। एक कंपनी है एनवीडिया करके, नाम आपने सुना ही होगा अभी रिसेंट दिनों में। उसको गोल्डमैन सैच कहता है मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टॉक ऑन प्लेनेट अर्थ, धरती का सबसे महत्वपूर्ण स्टॉक। वो एक दिन में बढ़ा कितना पता है? 22,50,000 करोड़। 22,50,000 करोड़ कितना होता है आपको समझाता हूँ। रिलायंस की 3 पीढ़ियां लग गई, धीरूभाई अंबानी जी लगे, मुकेश अंबानी जी लगे और उनकी 3री पीढ़ी भी आ गई है, बोर्ड संभाल रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप इतने सालों में जाके है 20,00,000 करोड़ और वो एक ही दिन में बढ़ गई 22,00,000 करोड़। कितना बढ़ी एक दिन में, इस बात को ऐसे समझो, ये जो इसका गेन है ये न्यूजीलैंड की GDP, इराक की GDP से भी ज्यादा एक दिन में बढ़ गई। एक देश की GDP और एक दिन का गेन, समझ रहे हो बाबू भैया। और इसी ग्रोथ के साथ एनवीडिया $2 ट्रिलियन की कंपनी बन गई है और 2 ट्रिलियन से ऊपर वैल्यूएशन की पूरे विश्व में सिर्फ 4 कंपनी है और ये 2 ट्रिलियन पे आ गई है पिछले 1 साल के अंदर अंदर। मतलब 1 ट्रिलियन आने में इसको समय लगा था, पर 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन ये मात्र 12 महीने के अंदर अंदर आ गई है। भारत की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन आने में 8 साल लगे थे, ये 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन में कंपनी 12 महीने के अंदर अंदर आ गई। ये पावर है एनवीडिया का। और ये जो गेन है, ऐसा नहीं कि ये ऐसा गेन आज के पहले हुआ, ये इतिहास का सबसे बड़ा गेन है। इंडियन इतिहास में, विश्व के इतिहास में स्टॉक मार्केट में एक दिन में इतना ज्यादा कोई बड़ी कंपनी नहीं बढ़ी। इससे पहले अभी फरवरी में फेसबुक बढ़ी थी एक दिन में ही 197 बिलियन, यानी 16,00,000 करोड़। TCS से ज्यादा एक ही दिन में फेसबुक बढ़ गई थी। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर घूम रहा होगा कि सर ऐसी कौन सी कंपनी है जो एक दिन के गेन में रिलायंस को पीछे कर रही है। तो आखिर एनवीडिया करती क्या है, क्या प्रोडक्ट बनाती है और ऐसा क्या हुआ पिछले 1 सालों में जो स्टॉक में इतनी भयंकर तेजी देखी गई और आने वाला टाइम भी इसी का है। तो आखिर ये कंपनियां इतनी बड़ी हो कैसे जाती है, ये सब बताएगा आपका राहुल। तो अगर आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है और आप बिजनेस के लेसन सीखना चाहते हो तो वीडियो के अंत तक रुकना, बहुत सारे लेसन आपको सीखने को मिलेंगे। प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर जाना भाई साहब। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो पहला सवाल, आखिर ये एनवीडिया है कौन, ये करती क्या है? इस समय दुनिया में 1 ट्रिलियन यानी 83,00,000 करोड़ से ज्यादा वैल्यूएशन वाली मात्र 8 कंपनियां हैं। उसमें 7 अमेरिका की है और 1 हमारी सऊदी अरब की है। उन 7 कंपनी में से एक कंपनी है एनवीडिया। ये बनाती है कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग के लिए चिप। कुल मिला के इसका कंप्यूटर मोबाइल में जो चिप है वो बनाने का इसका काम है और जहां भी कंप्यूटिंग बेसिक्स से न होके एडवांस वर्जन की जरूरत होगी वहां पे एनवीडिया की चिप लगेगी। एग्जाम्पल बताऊं, जैसे सुपर कंप्यूटर एनवीडिया के चिप मांगेंगे साहब, गेमिंग खेलनी है उसमें प्रेशर बढ़ गया भाई साहब चिप लगेगी। कोई ऐसा आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन डिजाइन ऐसा कोई बड़ी चीज हो रही है इनकी चिप लगेगी। तो जहां भी बहुत सारा डेटा है, कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग करनी है वहां पे एनवीडिया की चिप लगती है साहब। जैसे मीडिया पिक्चर बनाने में, वीडियो एडिट करने में, सब में एनवीडिया के बिना काम नहीं चलेगा। अच्छा रोजी, समझ में आ गया कंपनी करती क्या है। अभी शेयर मार्केट में भयंकर रैली, मतलब एक दिन में रिलायंस पार हो गया, समझ नहीं आ रही हुआ कैसे। हुआ ऐसे कि इन्होंने अभी अपना क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया कि भैया इस क्वार्टर में पिछले 90 दिनों में हमने क्या सेल की। तो उन्होंने बताई पिछले हमारे 90 दिनों की सेल है 22 बिलियन, 1 बिलियन में होते 8,000 करोड़, यानी मोटा मोटी इनकी सेल 1,80,000 करोड़ मात्र 90 दिन में। एक दिन की सेल 2,000 करोड़ बता दी इन्होंने और ये पिछले साल की तुलना में 265% ज्यादा थी। इन्होंने अपनी अर्निंग बताई, बोले हमारी अर्निंग है 12 बिलियन, यानी ऑन एन एवरेज 1,000 करोड़ रुपए रोज। पिछले साल की तुलना में यह है 780% ज्यादा। प्रॉफिट हो गया 7.5 गुना, रेवेन्यू हो गया 2.5 गुना 1 साल के अंदर अंदर। और ऊपर से कंपनी ये और बोल रही है कि डिमांड इतनी ज्यादा है कि हमारे पास तो कैपेसिटी नहीं है, सारी मशीनें फुल चल रही है उसके बाद भी नहीं है, तो अब हम कैपेसिटी और बढ़ा रहे हैं तो ये हमारे तो सेल भैया और बढ़ने वाली है। अब ये सुन के तो भैया एनालिस्ट का दिमाग खराब, सब खरीदने लगे और खरीदने लगे तो भैया इतनी खतरनाक रैली चल गई। अब पिछले 1 साल में राहुल जी ऐसा क्या हो गया जी इतनी खतरनाक ग्रोथ कर ली? भैया सब जगह एक ही शोर सुन रहे हो आज की डेट में, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गूगल इसी पे लग रहा है, ओपन AI इसी पे लग रहा है, माइक्रोसॉफ्ट इसी पे लग रहा है, एलन मस्क इसी पे लग रहा है। चाहे कोई सी भी कंपनी हो, कोई सी भी इंडस्ट्री हो, या इनफैक्ट कोई सी भी कंट्री हो, कोई सा भी देश हो, सब AI के पीछे दीवाने हो रहे हैं। ChatGPT, Bard, सब में यही बात चल रही है। और जब भैया AI पे फोकस करोगे तो लगेगा बहुत सारा डेटा, और बहुत सारा डेटा तो बहुत सारे डेटा सेंटर, और इतना डेटा इतने डेटा सेंटर तो हुई कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग, और जहां होती है कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग वहां कौन आता है? एनवीडिया। तो ये जो AI चिप बन रही है इसके 80% बाजार पे सिर्फ इसी का कब्जा है। तो आज की डेट में आने वाला दौर किसका? AI का।
और AI की चिप बनाने वाली कंपनी इकलौती या 80% बाजार पे कब्जा करने वाली कौन? NVIDIA। तो भैया इसलिए आ गई रैली। तो AI का दौर तो भैया अभी चालू हुआ है। NVIDIA के CEO ने कहा कि भैया ये तो एक टिपिंग पॉइंट था, अब हिट कर गया, अब तो इसकी सेल कभी रुकेगी नहीं, अब तो AI चिप की डिमांड बढ़नी है और हमारी वैल्यू पे बढ़नी है। वैसे बड़ी बड़ी कंपनियां समझती है अगर एक कंपनी पे इतनी डिपेंडेंसी नहीं करनी तो गूगल अपनी सिस्टम डेवलप कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट अपना डेवलप कर रहा है, एलन मस्क अपना डेवलप कर रहा है, पर इनको डेवलप करने में भैया 5-7 साल तो लगेंगे और जब तक इनका डेवलप नहीं होता, एकमात्र सोर्स है पूरे विश्व में AI चिप की सोर्सिंग का NVIDIA, तो अगले 5-7 साल तक भैया इसको तो कोई ना रोक रहा। अच्छा NVIDIA ने अपनी स्टार्टिंग कैसे की थी उसके कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ, आपकी शायद कुछ बचपन की यादें ताजा हो जाएगी, मेरी तो यादें ताजा हो गई थी। कंप्यूटर जब अपन बचपन में लेने जाते थे, कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाता CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कि भैया ये है, और बेसिक कंप्यूटिंग करते थे हमको CPU बहुत लगता था, पर जहां लगता था हमारा बेटा तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा, हमारा बच्चा तो कोडिंग करेगा, तो भैया कंप्यूटर की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है। तो बाद में आती थी अलग से चिप, कि भैया अगर आपको CPU की कैपेसिटी बढ़ानी है तो एक बार तो बेसिक ले लो, फिर ऊपर से चिप लगा देना। बस ऊपर वाली जो चिप है ना, ये NVIDIA ने इंट्रोड्यूस की थी। तो 99 में जो आया था, जो कार्ड लगता था, इसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं GPU, ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट, GPU, इसको GPU चिप भी बोलते हैं, इसको GPU कार्ड भी बोलते हैं, ये आपकी कैपेसिटी बढ़ाया करता था उस समय। लेकिन भाई साहब उस समय आप क्या ही काम में लेते थे, ज्यादा आपको काम में नहीं आता था, बेसिक काम करते थे, छोटे मोटे तो काम चल जाता था। लेकिन अब तो भाई साहब बेसिक से बेसिक मोबाइल इतने फंक्शन करता है कि इस मोबाइल को भी कॉम्प्लेक्स चीजें चाहिए। तो अब CPU से ज्यादा जोर आ गया GPU के ऊपर। अब हर प्रोडक्ट में मोस्टली केस में GPU ही लग के आ रहा है, या GPU ही बेस हो गया, CPU को कोई पूछ ही नहीं रहा। तो कुल मिला के आप ये जो आपका सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है, जो आने वाले इस दुनिया है, जो ताइवान की कंपनी है TSMC, वो बैकएंड का बहुत बड़ा प्लेयर है, कि भैया वो पीछे की चीज बनाता है तभी काम होता है। तो फ्रंट एंड के सबसे बड़े प्लेयर में आप NVIDIA का नाम शामिल कर सकते हो। तो भी NVIDIA के GPUs जो आ रहे हैं, एक नया जो GPU जिसने अभी धूम मचाई है, RTX करके है, जो कि AI जो चीजें हैं इसको प्रोसेस करने में बहुत अच्छी हेल्प कर रहा है। और ये ना सिर्फ इसके हार्डवेयर देता है, NVIDIA का एक अपना पर्सनल सॉफ्टवेयर भी है, जिसकी मदद से जितने भी हार्डवेयर हैं वो अलाइन हो जाते हैं। तो टेक्निकली एक तरह से फुल स्टेक कंपनी है ये, हार्डवेयर में भी हेल्प कर देगी, सॉफ्टवेयर में भी हेल्प कर देगी, इसलिए इसका आसानी से कोई कॉम्पिटिटर भी पैदा नहीं हुआ अभी। अभी मैंने आपको घटना बताया NVIDIA क्या है, क्यों बड़ी, कैसे बड़ी और आगे इसका क्या फ्यूचर है, आपको एक लर्निंग बताता हूं मेन चीज, कि भैया क्या मुझे सीखने को मिला और क्या बिजनेसमैन को इससे सीखना चाहिए। पहली बात, आपकी इंपॉर्टेंस, क्या आप बाजार में कितने इंपॉर्टेंट हो, या आपकी वैल्यूएशन, ये चीज डिपेंड करती है आप कितने ज्यादा लोगों तक पहुंच गए हो। जैसे अब आज की रेट में मैंने कहा जो 7 वैल्यूएबल कंपनीज है, अमेजन घर घर में पहुंचा हुआ है, इतनी डिमांड है, इतने लोग काम में लेते हैं, तो इतनी बड़ी कंपनी है। एप्पल इतनी बड़ी क्यों है, इतने लोग काम में लेते हैं। तो NVIDIA इतनी बड़ी क्यों हुई, अब इतने लोग काम में लेने लग गए। जब आपका प्रोडक्ट सर्विस जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतनी बड़ी कंपनी आप बनेंगे। तो जब भी तो क्या करो, या तो उस प्रोडक्ट सर्विस या उस इंडस्ट्री में घुसो जो कल थी, आज है और आगे भी रहेगी, तो ऐसी इंडस्ट्री में घुसो क्योंकि डिमांड हमेशा रहेगी, या एक ऐसी चीज में घुसो जिसको लगता है कि आगे आने वाले समय में बहुत डिमांड रहने वाली है। इसीलिए हमेशा कहते हैं भैया ट्रेंड को देखो, ट्रेंड को। सेकंड, आपका मार्जिन आप कितना कमाओगे ये डिपेंड करता है कॉम्पिटिशन पे। आप एक बेसिक सा सादा सा प्रोडक्ट बना रहे हो जो सब जने बना रहे हैं, उसमें कोई नई बात है ही नहीं और हजारों लोग बना रहे हैं, तो भैया उसमें मार्जिन मिलेगा कम। पर अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो यूनिक है, डिफरेंट है, जो ऐसा कोई बना ही नहीं पाया, तो भैया कोई कंप्यूटर आसपास तो है ही नहीं, तो आपके मार्जिन रहेंगे अलग लेवल पे। आप सोचो 22 बिलियन के रेवेन्यू में 12 बिलियन का प्रॉफिट, 55% से ज्यादा का मार्जिन लेके बैठे हैं, क्यों? टक्कर का कॉम्पिटिशन ही नहीं है, जो मर्जी होगी जिस रेट पे बेचेंगे क्या कर लोगे तुम। तो या तो एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट बनाओ, पेटेंट करा लो, या फिर बोलो सर प्रोडक्ट तो यूनिक नहीं है, तो भैया मार्केटिंग भी खर्च करके उसको ब्रांड बना लो, तभी जाके तुम हाई मार्जिन का गेम खेल पाओगे। तो ये था मेरी तरफ से आपको NVIDIA की रैली समझाने का। ऐसी और कोई न्यूज जो आपको लगता है कि न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग है, पर न्यूज के पीछे की न्यूज क्या है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।